293-94 के बीच की चौपाई है मनवर कि जिम सरिता सागर महजाई यद्यपि ताही कामना नाही और तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पही जाए सुभाए। मनवर इसका भावार्थ यह है कि यद्यपि समुद्र कामना नहीं करता लेकिन फिर भी नदियां उसी की तरफ जाती बिना बुलाए। इसी तरह से मनवर जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं धर्मात्मा लोग होते हैं उनके पास सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य अपने आप जाता है। मनवर आज पूरा वातावरण राममय है और हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है। मनवर बाल कांड में गुरु वशिष्ठ जी ने विशेष रूप से ये बात कही है कि धर्मशील लोगों के पास सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य अपने आप जाता है। तो धर्मशील व्यक्ति हमारे पास बैठे मानते अपने आप जाता है मानते उसमें कहा गया है 293-94 के बीच की चौपाई है मनवर कि जिम सरिता सागर महजाई यद्यपि ताही कामना नाही और तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पही जाए सुभाए। मनवर इसका भावार्थ यह है कि यद्यपि समुद्र कामना नहीं करता लेकिन फिर भी नदियां उसी की तरफ जाती बिना बुलाए। इसी तरह से मनवर जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं धर्मात्मा लोग होते हैं उनके पास सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य अपने आप जाता है। मनवर इसके साथ ही मनवर मैं आपके आपकी अनुमत से मैं वर्ष 2024-25 के डेट प्रस्तुत करता हूं। मनवर प्रतियां वितरित कर दी जाए और सभी लोगों के टैब में वो डाउनलोड हो गया प्लीज चेक कर लें। मान्यवर यदि हम किसी समाज संस्कृत में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो राम राज की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता। समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास न्याय आधारित सुशासन अपराध शून्यता तथा वर्ग भेद का पूर्ण अभाव धर्मानुकूल आचरण को राम राज की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व का महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है। पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव को निसंकोच त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दमन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यदि कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मान्यवर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने के से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। यहाँ पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ा इजाफा हुआ है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत बढ़ावा मिला है।